साहब पागल हो गई है साहब। ओह माय गॉड साहब, अपने भाई को मार डाला साहब। क्या? हाँ साहब, अपने बच्चे को मार डाला और मुझे मारना चाहते हैं साहब। मुझे इस पागल औरत से बचा दो। करो करो करो, वैसे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जिस समय ना भीमा, ओ तो भीमा तराबी तुम्हारा ही नाम है क्यों? जी सर, वो तो चंदनपुर के इलाके में बच्चा बच्चा तुम्हारे नाम तो आके है भीमा का नाम ने बता। इस हिंदुस्तान में कौन सा ऐसी माँ है जो कि 9 महीने अपनी औलाद को अपनी कोख में रखने के बाद आज वही माँ दौलत के लिए अपने बेटे को मार डालेगी? इस संसार में कौन तेजी बाइक है जो बर्तुक अपने भाई के हाथ में राखी बांध के चली आई है? आज वही बहन रुपए के लिए अपने भाई का खून कर दे। इतने जरूर कुछ न कुछ ताल में काला है सर। क्या है? कुछ लेन देन की बात हो जाए। अब आई ना तुम्हारी गाड़ी सही के तल पर 1 लाख मिले। 1 लाख कोई बात नहीं, 5 लाख मिले थे। 1 लाख चले जाएंगे, 4 लाख चलेंगे। सर मुझे मंजूर है, लेकिन सर इस औरत कोर्ट में साबित करना है वो भी पागल है। समझ लो हो गई। और साथ साथ में इसके ऊपर कैद करना भी आप करवाना है। भीमा की चिंता तू मत कर, इसके खिलाफ ऐसी फाइल बनाऊंगा, ऐसी फाइल तैयार करूंगा ना, फाइल देखते ही जज के आजीवन सजा देकर डंडा भुना। तो ये समझो सब आपको 1 लाख मिल गया। ठीक है, इधर ला के ला। हाँ। अरे तो साली कैसी कलयुग ही माँ है, तुमने दौलत के लिए अपने बेटे को मार डाला। नहीं, यहाँ तक कि अपने भाई का खून कर दिया। आ जाती है ना, ना जाने कहता ताली हमारे दिल में दया आ जाती है।
बहुत बड़ा मर्द हूँ। मर्द तो भागा खाने का डाल खाने आए सर। सर पागल मैं बनाऊंगा साबित करना आप पका मार मार के पागल तुम बना दो अदालत में तो इसे मैं साबित कर दूंगा। ये समझो पागल हो ठीक है। उठो मेरी धर्म पत्नी उठो औरत नाम पस्ता से पड़ी कलंक है कलंक। एक औरत थी सतयुग में सती सावित्री जो अपने पति की जान बचाकर यमराज ये तो क्या बिगड़ा
बच्चा मुझसे ले रहा है, मेरा भाई रवि मुझसे जुदा हो गया, मेरा बेटा शशि भी मुझसे जुदा हो गया। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, बदला मुझसे।